वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता नेगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस कैसे हो आप सभी, होप सारे अच्छे होंगे। मैं और यहाँ चरियांश के पापा हम जा रहे हैं तीनों घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। कभी कह रहे हैं मॉल, कभी कह रहे रिलायंस वाले में, पहले बिग बाजार था वो रिलायंस में बदल गए, कहीं हमारे घर के पास ही है तो हम जा रहे हैं। देखते हैं घर का कुछ सामान भी लेके आना है हमें, तो जा रहे हैं। रियांश यहाँ पे खेल रहा है, रियांश के पापा भी है। यहाँ पे मैं हो गई तैयार, मैंने अपना ये वाला गाउन पहना हुआ है, नीचे पजामी गर्म पजामी और ये जैकेट डाली हुई है। और रियांश हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, देखो अपने जूतों में चल रहा है। हाँ जी एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो आप, ये इधर देखो, रेडी हो गए चलें। भी हो चुका है रेडी, अब चलते हैं हम। रियांश के पापा भी रेडी हो गए हैं छुप के। यहाँ पे मैं हो गई रेडी, रियांश हो गया, मैंने दिखा दिया जैसे कि आप लोगों को। रियांश, ये रियांश के पापा, बोलो हेलो। हेलो, सो गाइज यहाँ पे मैं अपना फुल लुक दिखा रही थी। ये मेरी ड्रेस है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। और यहाँ पे हम निकल गए, हमारा डिसाइड हो गया कि मॉल नहीं जाएंगे, मॉल में ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए हम मॉल नहीं गए। यहाँ पे एक बिग बाज़ार था जो अब रिलायंस बन गया, रिलायंस स्मार्ट, तो वहाँ पे हम चले गए। घर का सामान खत्म हो गया था, खाने पीने का, यहाँ उसका भी बिस्किट्स वगैरह लेने थे, तो हमने कहा वहीं चलते हैं और हमें जल्दी वापस आना था इसलिए हम मॉल नहीं गए। क्योंकि हमारे पड़ोसी दो थे, उनकी लड़की का हैप्पी बर्थडे था तो हमें वहाँ जाना था, इसलिए हमें टाइम से घर वापस आना था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ चलेंगे रिलायंस स्मार्ट में। जाता है तो इसकी खुशी भूली नहीं समाती, बाहर निकल जाओ एक बार घूमने के लिए। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, मेरी शादी को 2.5 साल हो गए पर मैंने, मेरे को कभी नहीं लेके आए थे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया था मैंने। जब बिग बाज़ार था मैंने तभी बोला था जाने के लिए, पर ऐसा कोई मौका नहीं लगा क्योंकि हम अपने क्राउन इंटीरियर मॉल में जाते ज़्यादातर कोई सामान वगैरह लेने या फिर ऑनलाइन मंगाते फ्लिपकार्ट से। तो हमने यहाँ पे पहले कुछ नहीं लिया, हम बस घूम रहे थे, देख रहे थे क्या क्या है, कैसे कैसे प्राइस है। तो हम ऊपर चले गए, ऊपर ये सब देखा हमने, ये कप वगैरह देखा, जग वगैरह था। और रियांश के कपड़े भी लेने थे तो हमने सोचा यहीं देख लेते, तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया और जो पसंद आए वो इतने बड़े बड़े थे रियांश को आ ही नहीं पाते। हाँ लड़कियों के कलेक्शन अच्छे थे यहाँ पे और ज़्यादा थे, लड़कों से ज़्यादा थे। फिर रियांश के पापा ने अपने लिए हुडी देखनी थी, इनको भी कोई कुछ पसंद नहीं आया, तो यहाँ से कपड़े का कलेक्शन हमने नहीं लिया। 99 की एक स्लीपर थी घर में पहनने वाली चप्पलें, वो अच्छी लग रही थी बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास हैं ज़्यादा चप्पलें, क्या करनी है। ये फ्रॉक मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसे थी, ये गर्ल्स के कलेक्शन अच्छे थे, यहाँ पे बॉयज़ के कुछ खास नहीं था। और ये फ्रॉक मुझे कुछ खास नहीं लगी, देखो कितने बड़े बड़े कपड़े थे, इसलिए मैंने रियांश के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। रियांश के लिए हम नेक्स्ट डे गए थे एक नंबर मार्केट कपड़े लेने के लिए, रियांश के लिए अपने लिए, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था ज़्यादा खास, पर रियांश के लिए कपड़े लिए थे 2-3 जोड़ी। ये थी 99 की चप्पलें, बहुत अच्छी अच्छी बट मैंने नहीं ली अपने लिए। और रियांश अपने पापा को यहाँ पे खींचते हुए ले गया टेडी बियर वाले में, फिर रियांश को हमने इस ट्रॉली में उठा दिया घूम फिर के, हमने कहा चलो अब सामान लेते हैं। बोला था उतरने के लिए, रखता था अपने पापा को, बोला था कि आप छोड़ो, रो रहा था वहाँ पे कि आप छोड़ो इसको, इसने तो खूब इंजॉय किया यहाँ पे। आपने इसको दोबारा ट्रॉली में उठा दिया क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था अपने आप, ना जा रहा था ना जाने दे रहा था कहीं भी, इसको बैठा के। फिर उसके बाद हमने आराम से शॉपिंग करी, सब्जी में हमने खाली आलू वालू लिए थे। और उसके बाद रियांश के खाने पीने का सामान जो आपको घर जा के दिखाऊँगी क्या क्या लिया। ये हम बाहर निकल गए थे पार्किंग के पास चले गए थे तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ से यहाँ पे भी बहुत चल रहा था अपने यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड। चलो 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 यहाँ से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रील्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइज हम पहुँच गए घर पर और क्या क्या सामान लिया मैंने वो दिखा रही थी यहाँ पर। सबसे पहले पार्ले जी बिस्कुट लिया था जो रियांश खाता है, इसको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। फिर ये 49 रुपीज़ का मात्री छोटे छोटे बिस्किट होते हैं ना, थोड़ी नमकीन फ्लेवर में होते हैं, ये वाले ले लिए थे मैंने। एक
मुझे बहुत पसंद आते हैं, पर मैं तो खाने लिए रियांश ही खा रहा है। उसके बाद रियांश को कीवी फल बहुत पसंद है, फेवरेट है इसके, तो ये भी हमने दो ले लिए थे, दो बॉक्स हमें 135 रुपीज़ के पड़े थे। उसके बाद ये खजूर है ब्लैक वाले, जो रियांश के पापा ने अपने ले लिए थे, वो कह रहे थे, मैं मना कर रही थी, मत लो महंगे हैं ये, 350 रुपये के या 300 रुपये के थे, उन्होंने ज़बरदस्ती लिए, कहते मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है, रियांश को भी खिलाएंगे, अच्छा था, गर्म होता है बहुत, तो इसलिए उन्होंने ले लिया। उसके बाद ये दूसरा बॉक्स था कीवी का, जब मैं दिखा रही थी आपको, फिर देन चाय पत्ती हमें ठीक ठाक रेट पे मिल रही थी, ये टाटा प्रीमियम वाली 330 रुपये की थी 1 किलो की, 1 kg की, तो हमने ये भी ले लिए। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, मैंने बोल तो रही हूँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रियांश की रोने की आवाज़ थी। फिर ये मकैन के स्नैक्स थे, आलू टाइप के थे कुछ, तो बहुत अच्छा था ये, टेस्टी था, तो मैं ये भी ले लिया था, ये मात्र 145 रुपीज़ का था। देन यहाँ पर हमने आलू ले लिए थे 2 किलो, मैंने साइड में इसलिए रख दिया क्योंकि उसमें से मिट्टी झड़ रही थी। फिर ये से वहीं के पैकेट्स ले लिए थे, रियांश खाता है इसको, रियांश आजकल दूध बहुत कम पीता है, तो हमने उसके लिए खाने पीने का सामान ज़्यादा ले लिया। चलो सही है, दूध कम ही पिए बच्चे, ठीक है सर्दियों में, क्योंकि छाती जाम होती है बराबर। सो गाइस ये था हमारा, सो गाइस ये था सारा सामान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।